दोस्तों यार, आज की ये वीडियो ना स्पेशल उन यूट्यूबर्स के लिए होने वाली है जो मुझे हमेशा बोलते हैं कि राहुल भाई कुछ ऐसी चीज़ बताओ जिससे शुरुआत में हमारे यूट्यूब पर व्यूज़ आए, हमारे यूट्यूब पर सब्सक्राइबर आए, यानी कि जल्दी से जल्दी शुरुआत में बिना वीडियो को शेयर करें व्यूज़ और सब्सक्राइबर आए, जिससे कि अगर हमारा चैनल शुरुआत में ग्रो हो जाता है, यानी कि एक बार हमारा चैनल ग्रो हो जाता है उसके बाद तो हम अपने चैनल को ग्रो कर लेंगे। तो यार कोई ऐसा मेथड बताओ जिससे जो है हम शुरुआत में अपने YouTube चैनल को बिना वीडियो को शेयर करें अपने YouTube के सब्सक्राइबर को और व्यूज़ को बढ़ा सके। तो यार जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा कि हाउ टू गेट मोर व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर्स विदाउट वीडियो शेयरिंग, तो यार आज की ये वीडियो इसी बारे में है कि आप अपनी वीडियो को बिना शेयर करें फटाफट अपने चैनल को ग्रो कैसे कर सकते हो, अपने वीडियो पर व्यूज कैसे बढ़ा सकते हो, सब्सक्राइबर को जो है कैसे अपने यूट्यूब चैनल पर ला सकते हो। तो यार अगर आप एक YouTube क्रिएटर हो और एक नए YouTube क्रिएटर हो तो प्लीज़ यार आज की ये वीडियो पूरी ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना करे आपको बोर। आप देख रहे हो YT स्टोर। तो यार दोस्तों आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि यार सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देखो तो प्लीज़ यार पूरा देखना, वरना आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हो। क्योंकि यार अगर आप इस वीडियो पर आए हो तो शायद मेरा मानना है कि आप एक यूट्यूबर होंगे, यूट्यूब पर कुछ करना चाहते होंगे। तो यार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को 10 सेकंड के लिए भी स्किप करते हो, यानी कि 10 सेकंड के भी आगे बढ़ाते हो, तो हो सकता है उस 10 सेकंड में मैंने आपको कुछ ऐसी बात बताई हो जो कि इस वीडियो का पूरा सार हो, यानी कि उस मेन काम की चीज़ जो है उस 10 सेकंड में छूट सकती है। तो प्लीज़ यार वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना। और अगर आपको ये लगता है कि भाई खुद का वॉच टाइम बढ़ाने के लिए ये कर रहा है, तो भाई मेरा चैनल जो है ऑलरेडी मोनेटाइज है, मेरे को यूट्यूब से अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। अगर आपको ट्रस्ट ना हो तो भाई सोशल ब्लेड पर आप जाकर चेक कर सकते हो। अब यार बात आती है कि आप लोगों को जो है अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कैसे करना है बिना वीडियो को शेयर करें। तो यार आपको देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यार आज की डेट में जो है आप बहुत ज़्यादा वीडियो बनाते होंगे। यहाँ पर मैं जो है ये नहीं बोलूँगा कि आपको जो है अपनी वीडियो को अब रैंक करना है या फिर अपनी वीडियो को जो है शेयर नहीं करना है। आपको जो है करना क्या है, वीडियो ऐसी बनानी है जो कि लोग सर्च कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों अब आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको जो है बड़े जो क्रिएटर हैं, यानी कि आपके चैनल के रिगार्डिंग जो क्रिएटर हैं उनको जो है अब टारगेट करना है। अब यार मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए अगर आपका टेक का चैनल है तो यार टेक्निकल गुरुजी, या फिर हो सकता है आपका चैनल जो है किसी भी रिगार्डिंग हो, यानी कि फनी के रिगार्डिंग है तो अमित वड़ाना, बीबी की वाइंस, आपने इनका नाम सुना होगा। अब यार टेक के अंदर आपका चैनल है तो यहाँ पर मैं ये नहीं बोलता कि आपको किसी को एक्सपोज करना है या फिर उनके बारे में कुछ गलत सलत बताना है। यार यहाँ पर आप बता सकते हो, जैसे कि बात करूँ 2016-2017 की, तो लोगों ने बहुत चीज़ें बनाई थी कि टेक्निकल गुरुजी जैसा थंबनेल कैसे बनाते हैं, टेक्निकल गुरुजी जैसा लोगो कैसे बनाते हैं, टेक्निकल गुरुजी जैसा बेल इंट्रो कैसे बनाते हैं। तो यार उस टाइम पर उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा चली थी। बट यार बात करूँ आज की डेट की, तो आप ये देखो कि यार आज की डेट में टेक्निकल गुरुजी नया क्या करते हैं। जैसे आज मैं आज बताऊँ आपको, तो टेक्निकल गुरुजी जो है रेगुलर वीडियो डालते हैं। तो आप ये डाले कि हाउ टू अपलोड रेगुलर वीडियोस लाइक टेक्निकल गुरुजी, यानी कि आपने कहीं ना कहीं टेक्निकल गुरुजी को मेंशन करा है अपनी वीडियोस में। मतलब कि आप टेक्निकल गुरुजी को टारगेट करके वीडियो बना रहे हो कि टेक्निकल गुरुजी की तरह रेगुलर वीडियो कैसे डाले। जो है टेक्निकल गुरुजी आप अपनी जो रेगुलर जो अपनी एक वीडियो डालते हैं, यानी कि जो अपनी एक वीडियो डालते हैं शाम के टाइम पे या फिर दिन के टाइम पर, आपको पता होगा, जिसमें जो है टेक न्यूज़ बनाते हैं, तो वो कहाँ से लाते हैं। अगर आप ऐसे टॉपिक पर वीडियो डालूंगे आज के टाइम पर, तो दोस्तों मैं आपको उम्मीद के साथ यानी कि पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वो वीडियो चले। अब बात करते हैं सेकंड, कि यार अगर आपका फ़नी चैनल है और अगर आप उनको टारगेट करते हैं जो कि आपके जैसे यूट्यूबर हैं, तो यार उनको यूट्यूबर को टारगेट ये नहीं करना कि वो जैसे वीडियो बनाते हैं आपको भी वैसे बनाना है। टारगेट आपको कैसे करना, जैसे मान लीजिए अगर आपका टैग चैनल है तो भी यहाँ पर आपके काम आएगा। काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई एक बार व्यूज़ तो आए फिर तो मैं कर लूँगा। तो यार मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, आप ऐसी वीडियोस बनाओ कि अमित वड़ाना जैसे बैकग्राउंड म्यूज़िक, समझ रहे हो मेरी बात को यार, कि अमित वड़ाना का बैकग्राउंड म्यूज़िक कौन सा है, बीबी के वाइंस का जो है म्यूज़िक कौन सा है। तो उसकी जो सारी लिंक है आप अपनी एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो, वो बताओ एक मिनट की वीडियो में बताओ कि यार अमित वड़ाना जो जो म्यूज़िक यूज़ करता है सब कलेक्ट करो, सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक दो। और यार ऐसी चीज़ बताओ जो कि पॉपुलर क्रिएटर करते हैं, क्योंकि यार लोग आज की डेट में इस चीज़ को सर्च करते हैं। हो सकता है आप लोग भी ये कभी सर्च करते होंगे कि अमित वड़ाना का जो है बैकग्राउंड म्यूज़िक, बीबी की वाइंस का बैकग्राउंड म्यूज़िक, टेक्निकल गुरुजी ये कैसे करते हैं, टेक्निकल गुरुजी का थंबनेल कैसे बनाते हैं, टेक्निकल गुरुजी फोटो कैसे एडिट करते हैं, यानी कि आप जो पॉपुलर क्रिएटर है वो क्या करते हैं। आज की डेट में अगर मेरी बात करूँ तो काफ़ी लोग तो मेरी जैसी चीज़ें भी बताते हैं कि भाई मेरा चैनल ग्रो कैसे हुआ। तो यार ये चीज़ें जो है क्रिएटर्स को पकड़ो जो कि पॉपुलर क्रिएटर है, उनको टारगेट करो। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बिना वीडियो को शेयर करें आपके यूट्यूब पर व्यूज़ और सब्सक्राइबर की जो है थोड़े बहुत आने लग जाएंगे। और यार इस चीज़ को मैं आपको लिख कर देता हूँ कि अगर आपका एक चैनल, यानी कि एक बार आपका चैनल पर व्यूज़ और सब्सक्राइबर आने लग जाते हैं, लोग आपकी वीडियो को देखना पसंद करने लग जाते हैं, फिर तो यार आपके चैनल पर चांदी ही चांदी है।
तो यार दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए, और यार आप मेरे को ये सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई आपको जो है वीडियो कितने बजे अपलोड करनी चाहिए। वैसे मैं जो है रेगुलर 8 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो तो यार 8 बजे जो है मेरे चैनल पर आप आ सकते हो और चैनल को जो है एक बार देखकर वीडियोस को देख सकते हो। तो यार आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार एक छोटा सा लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। जब तक के लिए खुश रहो, सलामत रहो।